और हे भगवान, ये बात संतों की शरण में आने से, गुरुजनों के सत्संग से भली भांति समझ में आ चुकी है। कि आपके जैसा मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। संसार में पिता माता को संतान का बहुत बड़ा हितैषी माना जाता है और पिता माता संतान के हितैषी होते भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पिता माता जैसा संतान का हित सोच सकते हैं वैसा कोई दूसरा नहीं सोच सकता। उसका कारण यह है कि पिता माता की जैसी ममता, ममत्व अपनी संतान के प्रति होता है, वैसा ममत्व दूसरे का क्यों होगा, भला क्यों होगा, उसका होगा, स्वाभाविक ममत्व होगा। तो अपने संतान के सर्वविध हित की बात पिता माता सोचते हैं। अब ऋषभदेव जैसा पिता हो, मदालसा जैसी माता हो, ये तो सबके लिए संभव है क्या? ऋषभदेव जैसा पिता हो तो कह देगा पुत्रों को, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मदालसा जैसी माता होगी तो कह देगी, संगस सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते स सद्भि स कर्तव्य सताम संगो ही विषयम। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्तितोसि पंचात्मकम देहमिदम न तेष्टि नैवास्य तम रोदिषि कस्य हेतो। वो कहेगी, लेकिन न तो ऋषभदेव जैसे पिता होते हैं ना मदालसा जैसी माता होती है। प्रायः संसार के हित चिंतक माता पिता कैसे होते हैं? मातु पिता बालकन बुलावन, मातु पिता बालकन बुलावन, उदर भरे सोई धर्म सिखावन, उदर भरे सोई धर्म सिखावन। अरे बेटा, कुछ अच्छे लक्षण सीख लो, पढ़ लो लिख लो, कोई बढ़िया नौकरी कर लो, कोई अच्छा धंधा कर लो, हमारा नाम रोशन करो, यही सब बातें होती। वे परम हित नहीं सोच सकते। अरे अपना ही परम हित नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के परम हित का ठेका कैसे ले सकते हैं? इसलिए हरिगुरु संतों की कृपा से, सत्संग से गोस्वामी जी कहते, ये बात मेरे मुझे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है कि आपके जैसा मेरा कोई दूसरा हितु नहीं है, हित ऐसी नहीं है। आपके जैसे हितैषी माता पिता भी नहीं है। आप विचार कीजिए, जिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पवित्र वाणी से असंख्यों जीवों का कल्याण अब तक हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, उन गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख दर्शन का सौभाग्य उनके पिता को भी प्राप्त नहीं हुआ। कितने सौभाग्य की बात होती, मुख दर्शन होता, नहीं हो पाया। हाँ,
तुलसी माँ का जरूर बहुत बड़ा योगदान है कि उसने अपने जीते जी अपने पुत्र को चुनिया दासी को दे दिया। गोस्वामी के अनुभूति की बात है। ऐसे हितैषी माता पिता भी नहीं होते, जैसे हितैषी संत होते हैं। अरे हमने अपने आंखों से देखा है, जिस संतान को अपने पिता माता की पैतृक संपत्ति मिलती है, बिना मेहनत किए करोड़ों की जायदाद उसको मिल गई, वह भी उतना अपने पिता माता के हित का चिंतन नहीं कर पाता मृत्यु के समय, जितना हित का चिंतन संत महापुरुष अपने निकट रहने वाले पशु पक्षियों के हित का चिंतन कर लेते हैं। क्या स्वार्थ है उनसे उनका? वृद्ध होने वाले घर में कोई ना कोई तो मरणासन्न होते ही हैं। लोग हॉस्पिटल में तो रखे आते हैं कि कोई बीमारी घर में ना फैल जाए। खाक चौक में, बोले शंकर जी, एक गैया थी, वृद्ध थी, बीमार हुई। समय भगवान के धाम जाने का आ गया। हम पूज्य भक्तमाली जी के पास रहते थे, तब खाक चौक में नहीं रहते थे, विद्यार्थी जीवन था। महाराज जी के पास तुरंत संदेश भेजा, हमको बुलवाया। यही भादों का महीना चल रहा था। जन्माष्टमी की बात है, महाराज जी ने बुलाया, बोले देखो बहुत ठाकुर जी की सेवा करी आने, खूब संतन की सेवा करी, अभी बिचारी जा रही, आंख से आंसू बह रहे महाराज जी के। तुम आचमन प्राणायाम करके बैठ जाओ, गीता सुनाओ। पास में कान के पास कम्बल डलवा दिया, बोले उच्च स्वर से सुनाना। गीता हम सुना रहे हैं गाय को, और महाराज जी बीच बीच में ठाकुर जी का चरणामृत, तुलसी जल, गंगा जल, यमुना जल लिए हुए हैं, बीच बीच में उसके मुंह में चरणामृत डालते महाराज जी, ऐसे हाथ फिराते हैं, राम 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 राम, राजा दुख भंजन राम, राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम राम 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 राम, ऐसे बोलते हैं। पूरी गीता हो गई, विष्णु सहस्रनाम हुआ, ओम सर्व प्रहरणा युध ओम नम इति, बस उसी समय गाय ने गर्दन नीची कर दी, गाय पधार गई। वो दृश्य हम अब भी आंखों से ओझल नहीं होता है कि हमारे स्थान की गाय भी गीता विष्णु सहस्रनाम सुनकर गोलोक जाए, ऐसी भावना किसी संत में ही हो सकती है। महाराज जिन पिता माता की संपत्ति लेते हैं लोग, उनके प्रति भी इतनी सावधानी नहीं रखते। फिर सिक्का, अभी भी कलदार तो चलते ही ना लोहे का, तो 11 सिक्का हमको दिए महाराज जी ने दक्षिणा। हम डरने लगे, बोले अरे लेता क्यों नहीं, ले, ब्राह्मण हो दक्षिणा ले लोगे तो इस गऊ का कल्याण हो जाएगा। अब हम तो बहुत डर गए, उनके से कुछ बोल भी नहीं सकते, तो 11 सिक्का उन्होंने दिए हमको। गैया को बुग्गी मंगा करके कीर्तन करते हुए राम नामी उड़ा के जमुना जी भेजा, जैसे संतों का संस्कार करते। जमुना जी में खूब जल था, और अब हम 11 रुपया लेके महाराज जी के पास गए, भक्तमाली जी के पास। महाराज जी क्या करें, महाराज जी बोले जाओ जमुना जी में स्नान करो, और गोपीश्वर महादेव को अभिषेक कर देना कल प्रातःकाल,
तो अब तो 11 रुपए में अभिषेक नहीं होगा, उस समय एक उसी 11 रुपए में फूल माला, बिल्व पत्र, दूध दही, एक दोना पेड़ा, ये सारी पूजन की सामग्री 10 रुपए में आ गई, 1 रुपए बच गया। महाराज जी बोले 10 रुपए की पूरा पूजा सामग्री और 1 रुपए दक्षिणा, और बोले कह देना शंकर जी से कि मिल बांट के इसी में सब दक्षिणा ले लेना, और फिर प्रार्थना करना कि हे गोपीश्वर महादेव, आप नित्य गोलोक धाम के श्री ठाकुर जी के प्रधान ग्वारिया हैं, आप नित्य गोलोक में गो माता को सम्मिलित कर लें, गायों के झुंड में सम्मिलित कर लें, ऐसी प्रार्थना कर देना। आप बताओ ऐसा हितु, ऐसा हितैषी और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था महाराज जी, एक बड़े नाम जापक संत रहते थे गांव के बाहर, और केवल 1 घंटे कुटिया से बाहर बैठते थे आके, उसी समय लोग थोड़ी देर कीर्तन भजन करते थे, बोलते किसी से नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। और एक व्यक्ति गांव का इतना भारी दुष्ट था कि वो समय निकाल के आता था एकांत में अकेले में, और 1 घंटे तक खूब गालियां बकता था महात्मा को, पत्थर भी फेंकता था, गालियां भी बकता था, चला जाता, नियम से गाली देता था। अब विचार करो कितना दुष्ट होगा, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, व्यर्थ में बहुत गंदी भद्दी गालियां देता। उस व्यक्ति की मृत्यु आ गई, जमदूत उसको पकड़ के ले जा रहे थे, जमलो के ही जाएगा ऐसा आदमी, तो उसने जैसे ही उसकी सूक्ष्म देह को वहां से लेके जाने लगे तो महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी, तो उसने कहा कि नरक तो जाना ही है और हमारा छुटकारा तो होना नहीं है, तो आज का हमारा नियम बाकी है। तो उसने कहा कि हमको ज्यादा नहीं, घंटा भर नहीं तो 10-5 मिनट ही गाली तो दे लेने दो, नरक तो हमको जाना ही है, जा ही रहे हैं, तुम ले ही जा रहे हो, आज इसको छोड़ूंगा, आज भी गाली दे के ही जाऊंगा। जमदूतों ने कहा भारी दुष्ट है ये, दुष्टता की भी चरमावधि है, तो चलो ठीक है। थोड़ी देर खड़े हो गए जमदूत और गालियां बकने लगा। महात्मा सिद्ध थे, सूक्ष्म जगत के दृश्यों को, सूक्ष्म जगत की घटनाओं को देख लेते थे। उन्होंने देख लिया कि वो जो निंदक जो रोज गालियां देता था वो उसको जमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया छोड़ दो इसको। कहा क्यों छोड़ दें? तब संत ने कहा कि जब हमारा उपासक, हमारा भक्त, हमारा प्रशंसक तुम ही कह रहे हो कि उसकी दुर्गति नहीं होती है क्योंकि आपसे संबंध है, तो किसी भी भाव से संबंध जो जुड़ गया, हमारा निंदक नरक क्यों जाए? प्रशंसक नरक नहीं जाता है तो हमारा निंदक नरक क्यों जाए? तो हम अपने भजन का दान करते हैं इस जीवात्मा को, जिससे ये निष्पाप होकर भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाए। जैसे ही अपने भजन का संकल्प किया, जमदूत भाग गए, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और वह निंदक भी भगवत धाम चला गया। इसी घटना का स्मरण करके श्री चरणदास जी महाराज ने कहा है, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, मेरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। अपने से द्वेष करने वाले, निंदा करने वाले का कल्याण करने का की भावना जिनके मन में हो, ऐसा हित चिंतक संसार में संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई दूसरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं।
गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माता पिता भी ऐसे हितैषी नहीं होते हैं जैसे हितैषी हरि गुरु संत हैं, इसलिए आप ही हमारी माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।